14 जवान मौजूद थे, जो दो जवान शहीद हो चुके हैं, दो पुलिसकर्मी घायल हैं ज्यादा गंभीर रूप से, 10 बताया जा रहा है कि आउट ऑफ डेंजर जोन में है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आतंकी आए थे और उन्होंने दनादन फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें ये आतंकी घटना घटी है और ये तस्वीरें हम आपको उस बस की दिखा रहे हैं। दिलबाग सिंह साहब, एक बार फिर से चाहेंगे फोन उनका डिस्कनेक्ट करके फिर से अगर हम कनेक्ट कर सके, ताकि वो हमें बता सके कि किन परिस्थितियों में ये घटना घटी है। जल्दी से एक बार अशरफ वानी के बाद हमारे दर्शकों को लिए चलिए। अशरफ, यही बात चीत हो रही थी कि इससे पहले हमने देखा टारगेट किलिंग वो कर रहे थे, जो जम्मू कश्मीर के बाहर से राज्यों से आए हुए लोग थे, उनको सुनिश्चित करके टारगेट करके उनको मार रहे थे, चाहे उसमें मजदूर थे, उसमें टीचर्स थी, सिख टीचर से लेकर बिहार यूपी के आए हुए मजदूरों को टारगेट कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर से वो अपने पुराने रूप में गए हैं, वही मोडस अपना रहे हैं। और बताया ये जाता है कि हमेशा ठंड के इस मौसम में जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो वहां से घुसपैठ है आतंकियों के आने का, उसमें इजाफा देखा जाता है और उसके बाद इस तरह की घटना ये आप इस वक्त देख रहे हैं। बताया यही जा रहा है कि 2 से 4 आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने बस पर इस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। 2 पुलिसकर्मियों के शहीद होने की खबर अभी से ही आ चुकी है, 12 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें 2 की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है, 12 बाकी जो 10 लोग हैं बताया जा रहा है कि वो अभी ठीक ठाक हैं और रिस्क से बाहर हैं। ये हाईवे है जिस पर ये पुलिसकर्मियों की बस जा रही थी। पिछली बार भी जब सीआरपीएफ की इसी तरह के काफिले पर हमला हुआ था, तो ये सवाल उठा था कि जो एसओपी है, जिस तरह से इस तरह की बस ऑपरेट करती है, क्या उसमें कुछ कमी रह गई, जिस तरह से बारूद से भरे हुए, आरडीएक्स से भरे हुए एक वैन के साथ जाकर टकराकर हमारे अर्धसैनिक बलों को शहीद किया गया था। और ये एक बार फिर से आप नजारा देख रहे हैं, हम एनिमेशन के जरिए जरा आपको मैप दिखा रहे हैं कि श्रीनगर के जेवन में ये वो जगह है जहां पर जेवन है, और जेवन में ही ये घटना घटी है जहां पर आतंकियों ने पुलिस कर्मियों की एक बस पर हमला कर दिया है। और इस बार उनका तरीका क्या था, फायरिंग, उन्होंने लगातार फायरिंग करके अंदाजा यही लगाना होगा कि आखिर कितनी उन्होंने कितनी राउंड्स की फायरिंग की होगी कि बस की ये हालत हो गई है। और इसमें जो पुलिसकर्मी मौजूद थे वो 14 के 14 घायल हुए, जिनमें से 2 की अब मौत हो चुकी है, वो शहीद हो गए हैं, 2 पुलिसकर्मी अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, 10 बताया जा रहा है कि खतरे से बाहर है। घाटी से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो परिस्थितियां विकास की तरफ बढ़ रही हैं, उसको फिर नए सिरे से चुनौती देने के लिए आतंकी खून का ये तांडव रचते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में कभी टारगेट किलिंग करते हैं, कभी इस तरह से सेना अर्धसैनिक बलों पुलिसकर्मियों के काफिले पर हमला करते हैं। और यही शाम के इस पहर में जब ये पुलिसकर्मी जा रहे थे तो उन पर ये हमला बोला गया है। और ये बस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह से इसका विंडशील्ड और चारों तरफ से आप देख रहे हैं टूटा है, उसी से अंदाजा लग रहा है कि किस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ लगातार फायरिंग की होगी कई राउंड, जिसके बाद इस तरह की गड़बड़। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, घेरेबंदी कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है, क्योंकि अगर आतंकी मोटरसाइकिल पर थे और वो वहां से भागे हैं तो अगर उन्हें पकड़ लिया जाए। दिलबाग सिंह साहब हमारे साथ, डीजीपी जम्मू कश्मीर जुड़ गए। दिलबाग सिंह साहब, आप पूरी घटना बता रहे थे और मौजूदा परिस्थितियों के बारे में हमारी जानकारी दे रहे थे दर्शकों को, बताएं सर। मैं ये कह रहा था कि श्रीनगर और इसके आउटस्कर्ट्स में कुछ अच्छे से टेररिस्ट की मूवमेंट हो रही है, जिसके चलते सिटी में 3 से 4 कामयाब ऑपरेशन जो है पिछले 2-3 हफ्ते में हो चुके हैं। आज भी एक कामयाब ऑपरेशन सिटी के अंदर हुआ जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। ये पार्टियां हमारी जो आर्मर्ड पुलिस की सिटी में ड्यूटी करती, सिटी से वापस लौट रहे थे जब इनकी बस के ऊपर हमला हुआ और इसमें 14 लोग जख्मी हुए, जिसमें 2 की शहादत हो गई, बाकी लोग हॉस्पिटल में शिफ्ट किए हैं, सबके सब घेरे इलाज हैं और अभी तक बताया जा रहा है कि सबकी हालत ठीक है। इस एरिया को इस वक्त घेरे में लिया है, सीनियर ऑफिसर मौके पर है, ऑपरेशन इस एरिया में जारी है। बस के ऊपर लगता है कि कम से कम 2 डायरेक्शन से फायर हुआ, कम से कम 2 दहशतगर्द जरूर इसमें शामिल होंगे और इसका जल्द ही पहचान भी कर लिया जाएगा और इनको जल्दी ही ट्रैक डाउन भी किया जाएगा।
सर आप बता रहे हैं कि दोनों डायरेक्शन से फायरिंग हुई है, तो क्या माने कि मोटरसाइकिल पर ही सवार थे दोनों तरफ से और उन्होंने कई राउंड फायरिंग की, क्योंकि बस की हालत बता रही है कि लगातार उन्होंने काफी फायरिंग की होगी? मोटरसाइकिल पे सवार होना ना होना इस वक्त नहीं कह सकते, मगर पास की गलियां जो इस एरिया से नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं, जो मेन रोड के साथ मिलती है, उन गलियों में पनाह लेकर के छुप करके फायर करना गाड़ी पर मुमकिन है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जो इस रोड के साथ मिलती हैं, और ऐसा ना होगा कि दो जगहों से फायर इसके ऊपर किया गया और काफी फायरिंग पास के ऊपर की गई। ये एरिया काफी सस्पेक्टेड एरिया में रहता है और काफी कामयाब ऑपरेशन इस एरिया में हम पहले भी कर चुके हैं। ये जनरल एरिया खरीऊ के साथ आता है जिसमें दहशतगर्दों की मूवमेंट रहती है। अभी कल ही हम लोगों का एक कामयाब ऑपरेशन बगल में वांतीपुरा में हुआ जिसमें एक दहशतगर्द मारा गया। उससे पहले भी खरीऊ और त्राल के एरिया में ऑपरेशन कामयाब हुए। इस एरिया में मूवमेंट रहती है, ये कोई ग्रुप नया हो सकता है जो इस एरिया में मूवमेंट में रहा हो, और मेरा ये मानना है कि हमारी पार्टियां इस वक्त काम पर हैं और हम जल्दी इस ग्रुप को आइडेंटिफाई भी करेंगे और न्यूट्रलाइज भी करेंगे। जी, दो सवाल है सर आपसे। दिलबाग सिंह साहब, आपने बताया कि आप लगातार ऑपरेशंस कर रहे हैं आतंकियों के खिलाफ इन इलाकों में, इसी से बौखलाकर क्या उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है? तो दूसरी तरफ सर, जो एसओपी जी बौखलाट का हिस्सा भी है और उनके जो घटिया डिजाइन है, जो उनकी साजिशें रहती हैं, उसका हिस्सा भी है। पाकिस्तान और उसके हैंडलर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो हैं वो किसी न किसी रूप में उनको जिंदा रखा जा सके, मगर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि इनको पूरी तरह नाकाम किया जाए और इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जाए। ये कश्मकश में इनकी जो कार्रवाइयों में इनकी जो मौत हो रही है उसके दौरान हताशा में डेस्परेशन में इनकी तरफ से कार्रवाइयां भी होती हैं, जब ये बिल्कुल इनोसेंट टारगेट चुनते हैं उनके ऊपर फायर करते हैं। हमारी कोशिश बराबर जारी रहेगी कि इनकी हताशा को और हताशा में बदला जाए और इनको जो जो इनके नंबर्स हैं उनको और कम किया जाए। जी दिलबाग सिंह साहब, ये एसओपी क्या है सर, जब इस तरह से पुलिस कर्मियों की मूवमेंट हो रही हो किस तरह से उसे किया जाता है, क्या उसके लिए कुछ खास इंतजाम किए जाते हैं जब ज्यादा जवान जा रहे हो? देखिए, ऐसा रहता है कि आपको जिस तरह की ड्यूटीज करनी पड़ती हैं पुलिस को, आपने हर जगह जाना है तो वापस भी लौटना है, जवानों के लिए लॉजिस्टिक्स भी जुटाना है, सब कुछ करना होता है। सब जगह पे रिस्क इन्वॉल्व तो रहते हैं, मगर इसके बावजूद भी रिस्क हैं। अपनी जिम्मेवारियां जो निभाने के लिए पुलिस और हमारे फोर्सेज पूरी तरह से वचनबद्ध हैं, पूरी तरह से कमिटेड हैं, तैयार हैं। हम लोग बावजूद इस तरह के रिस्क जो इन्वॉल्व होते हैं अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। हमारे बहादुर जवान ऑफिसर अपने काम पे हैं। ये तो देखिए, जब दहशतगर्दी का माहौल रहता है इसमें खतरात साथ में होते हैं, मगर खतरात के बावजूद जैसे आज कामयाब ऑपरेशन हुआ और इधर साथ में हम लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ा, ये चीजें साथ साथ चलती हैं और इससे ना घबराते हुए हम लोग जो हमारे जो लोग हैं अपने काम को जारी रखे हुए हैं। हम लोग और ज्यादा इस डायरेक्शन में जो है ऑपरेशन को तेज करेंगे और दहशतगर्दी की कार्रवाई है उनको न्यूट्रलाइज करेंगे, उनको समाप्त करेंगे। एक आखिरी सवाल सर आपसे, क्या जिन दो जवानों की मौत हो गई है, शहीद हुए हैं, उन दो पुलिसकर्मियों की पहचान हो गई है सर? जी, उनकी पहचान हो चुकी है। दोनों हमारे एक ASI है और एक ट्रेंगेट कॉन्स्टेबल है, गुलाम अस्तर जी और अरशद जी है, और हम लोग संवेदना प्रकट करते हैं उनके फैमिलीज के लिए, परिवारों के लिए, और हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जवान जो बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं उनके परिवारजनों के साथ सब के सब खड़े रहें। इसमें हमें दुख है, खेद है कि इन दो जानों का नुकसान हुआ है, मगर हमारी जिम्मेवारियों को निभाने का सिलसिला इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इनसे हम प्रेरणा लेते हैं जो हमारे लोग काम करते हुए शहादत पाते हैं। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।